नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द बाल पोयम। सभी बच्चों के लिए हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं और क्रैश कोर्स की क्लासेस ऐप पर भी चल रही हैं, और हमने सोचा कि यूट्यूब पर भी क्रैश कोर्स की क्लासेस चलती रहें ताकि आप सबको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द बाल। बॉल का मतलब होता है गेंद, पोएम मतलब कविता, यानी ये पूरी कविता एक गेंद के ऊपर है। वास्तव में होता क्या है इस कविता में, एक छोटा सा लड़का है जो अपनी गेंद खो देता है, और कवि कहते हैं कि गेंद खरीदने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, गेंद बहुत महंगी नहीं आती, फिर भी ये लड़का अपनी गेंद खो देने के बाद इतना ज्यादा दुखी क्यों है। अब इस कविता में आगे बढ़कर हमको समझना पड़ेगा कि आखिर वो लड़का इतना ज्यादा दुखी क्यों था और कवि क्या क्या चीजें सोच रहे थे। चलिए अपने पोयम पर चलते हैं। तो कहते हैं कि व्हाट इज द बॉय, वहां लड़का, व्हाट इज नाउ, अब व्हाट इज, वहां लड़का यानी वो उस लड़के को, द बॉय उस लड़के को, नाउ अब व्हाट इज, क्या हो गया है, अब उस लड़के को क्या हो गया है, हु जिसने हैज लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो देना, जिसने खो दी है हिज बॉल, अपनी गेंद, जिसने अपनी गेंद खो दी है या फिर जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट इज द बॉय नाउ, उस लड़के को क्या हो गया है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है, ठीक है, या फिर जिसकी गेंद खो गई है, दोनों तरीके से कह सकते हैं। क्लियर हो गया, व्हाट क्या, व्हाट क्या, यानी एक ही बार पढ़ना है, दो बार लिखा है यहां पे। तो व्हाट क्या इज ही, वह टू डू करने वाला है, अब वह क्या करने वाला है, व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। आई शॉ, मैंने देखा है इट, इस गेंद को, गेंद के लिए इट लगा है, मैंने देखा है इस गेंद को गो, गो ये चली गई, मैंने देखा है वह गेंद गो चली गई मेरे लिए प्रसन्नता पूर्वक बाउंसिंग उछलती हुई, मैंने देखा था वह गेंद प्रसन्नता पूर्वक उछलती हुई चली गई, कहां चली गई, डाउन स्ट्रीट गली में, मैंने देखा था वह गेंद प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली में चली गई, एंड देन और फिर मैरिली ओवर प्रसन्नता पूर्वक उछलती हुई ओवर देयर वहां चली गई, वहां कहां, इट इज इन द वाटर, पानी में, और फिर प्रसन्नता पूर्वक उछलती हुई देयर, इट इज इन द वाटर, पानी में चली गई। क्लियर कर लेते हैं चारों लाइनें। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद खो गई है, व्हाट, व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। आई शॉ इट, कवि कहते हैं कि मैंने उस गेंद को देखा है, गो मेरिली बाउंसिंग, वो प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए चली गई, अर्थात मैंने देखा था वह गेंद प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए डाउन इन द स्ट्रीट गली में चली गई। क्लियर हो गई, आई शॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि कवि कहते हैं कि मैंने देखा था वह गेंद प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली में चली गई, एंड देन मेरिली, और फिर वहां से उछलते हुए, देयर इट इज इन द वाटर, वह गेंद पानी में चली गई, इट लगा है गेंद के लिए। क्लियर हो गया, अब पानी में चली गई गेंद, अब आगे चलेंगे, गई भैंस पानी में। अब देखिए, नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है, नो यूज, कोई फायदा नहीं टू से, ये कहने का कोई फायदा नहीं है, ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल्स, दूसरी गेंदे हैं, नो यूज टू से, ये कहने का कोई फायदा नहीं है, ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी गेंदे हैं, अर्थात वह दूसरी गेंद खरीद सकता है, अर्थात वो नई गेंद खरीद सकता है, ये कहने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास तो मान लीजिए 10-5 रुपए रहते हैं, लेकिन आपकी अवस्था में 10 रुपए भी मम्मी पापा से मांगने पड़ते हैं। हम लोगों के समय में जूते पड़ते थे जब गेंद खरीदने के लिए हम पैसे मांगने जाते थे, ठीक है, तो हालत बहुत खराब होती थी। अगर मैच खेलना है और गेंद खो गई तो फिर समझिए कि 5-5 रुपए सब लोग जोड़ते थे तो गेंद आ पाती थी। तो वही वो कह रहे हैं कि देर आर अदर बॉल्स, दूसरी गेंदे हैं, ये कहने का कोई लाभ नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, यही एक गेंद हो उसके पास, वो चीज, नो यूज टू से, कोई लाभ नहीं है, ये कहने का कोई लाभ नहीं है कि ओ देर आर अदर बॉल्स,
कि अरे दूसरी गेंदे भी हैं। एन अल्टीमेट, एक गहरा, सेकिंग ग्रीफ, एक गहरा चरम दीप, चरम सेक मतलब जो एकदम झकझोर दे आपको, चरम हो, एकदम चरम सीमा पर हो। तो अल्टीमेट, एक गहरा सेकिंग ग्रीफ, चरम दुख, एक गहरा चरम दुख फिक्सेस जड़वत कर देता है। फिक्स मतलब जड़ कर देता है, एकदम जड़वत कर देता है, यानी वो हिलटा डुलटा भी नहीं है द बॉय उस लड़के को। तो एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक गहरा चरम दुख फिक्सेस द बॉय उस लड़के को जड़वत कर देता है। ठीक है, यानी वहां लड़का उस समय एकदम जड़वत हो जाता है जब उसकी गेंद खो गई है। तो एक गहरा चरम दुख उस समय उस लड़के को जड़वत कर देता है, एज ही जब वह स्टैंड खड़ा होता है, रिजिट, कठोरता से, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, जब वह कठोरता से कांपते हुए खड़ा होता है, स्टार्टिंग डाउन, और वो स्टार कर रहा होता है, घूर रहा होता है, डाउन ऑल हीज यंग डेज, ऑल अपने हीज यंग डेज, ऑल सभी हीज अपने यंग डेज, बचपन के दिनों को याद करता हुआ, इनटू द हार्बर, हार्बर को देख घूरते हुए, हार्बर का मतलब बंदरगाह को। अब यहाँ पे ढेर सारी चीजें मिक्स हो गई। देखिए, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक गहरा चरम दुख फिक्सेस द बॉय उस लड़के को उस समय जड़वत कर देता है जब वह कठोरता से कांपते हुए All his young days, अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, into the harbor, उस बंदरगाह को staring, घूरते हुए, stands, खड़ा होता है, where, जहां, his ball went, उसकी गेंद चली गई। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। आगे, I would not intrude on him, देखिए, intrude आ गया, intrude का मतलब होता है घुसना, बाधा डालना। तो I would not, मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं बाधा नहीं डालूंगा ऑन हिम, उसकी इस स्थिति में। कवि कहते हैं कि लड़के के इस जीवन में मैं बाधा नहीं डालूंगा, अर्थात कवि के पास पैसा है, वो चाहे तो उसे 10-5 रुपए दे सकते हैं कि जाओ जाकर दूसरी गेंद खरीद लो, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं इसे पैसा नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं ये दुखी रहे, ये समझे कि दुख क्या होता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इस लड़के के जीवन में बाधा नहीं डालूंगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इस लड़के के जीवन में जबरदस्ती नहीं घुसूंगा, यानी मैं इस लड़के के इस जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करूंगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि मैं इस लड़के के इस जीवन में, अर्थात जहां पर वो दुखी है, इस जीवन में बाधा नहीं डालूंगा। अ डाइम, एक डाइम, डाइम का मतलब होता है सेंट, ठीक है, एक सेंट की कीमत लगभग 25 रुपए होगी, या फिर 20 रुपए समझ लीजिए। तो अ डाइम, एक सेंट का सिक्का देना, हमारे यहाँ पे एक रुपए का सिक्का होता है, अमेरिका में एक सेंट का सिक्का होता है, ठीक है। तो अ डाइम, एक सेंट का सिक्का देना, अनदर बाल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए, दूसरी गेंद खरीदने के लिए अ डाइम, एक सेंट का सिक्का देना इज वर्थलेस, बेकार है, वर्थलेस है, कोई कीमत नहीं उसकी, ठीक है। अब गेंद मुश्किल से 20-25 रुपए की ही आती है, सस्ती वाली, महंगी जाएंगे तो बहुत महंगी महंगी आती होंगी, पता नहीं, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, 20-25 रुपए की गेंद आती थी जब हम लोग खेलते थे, ठीक है। अब कितने की आती है कमेंट करके बता दीजिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, याद आ जाएगा कि महंगी हो गई है या सस्ती है गेंद। तो अ टाइम, एक सेंट का सिक्का देना है अनदर बाल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए इज वर्थलेस, बेकार है। नाउ, अब ही सेंसेस, वो अनुभव कर रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का, वो प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का मतलब होता है भौतिक संसार में, भौतिक संसार में, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, भौतिक संसार में वह लड़का सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा है। तो अब नाउ भी है ना, तो अब भौतिक संसार में वह लड़का प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा है। क्या कहते हैं, पीपल विल टेक, लोग खरीदते रहेंगे बॉल्स, गेंद, लोग गेंद खरीदते रहेंगे बाल्स, और ये गेंदे विल बी लॉस्ट, खोते रहेंगे ऑलवेज, हमेशा, और ये गेंदे हमेशा खोते रहेंगे, कौन खोते रहेंगे, लिटिल बॉयज, छोटे लड़के, और छोटे लड़के इन गेंदों को हमेशा लॉस्ट करते रहेंगे, हमेशा खोते रहेंगे। मैं इसे नई गेंद खरीद के दे दूंगा तो भी 4-5 दिन बाद ये फिर से खो देगा उसको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पीपल विल टेक बाल्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे, बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉयज, और छोटे लड़के हमेशा इन गेंदों को खोते रहेंगे, ये सामान्य सी बात है।
एंड नो वन, और कोई भी व्यक्ति बाइक खरीद नहीं सकता अबाल ए उस गेंद को बैक जो खो गई है, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। आप बाजार जाकर नई गेंद ला सकते हैं, लेकिन जो गेंद खो गई है उसको कैसे खरीद सकते हैं। जैसे जीवन में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए कोई रिश्तेदार हैं, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, वो हमको हमेशा नीचा दिखाते हैं, तो उनकी जगह पर जो व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है हम उनको हटा सकते हैं अपने जीवन से। कोई दूसरा व्यक्ति जो हमको प्रेम करता हो, जो हमको नीचा न दिखाता हो, हम उसके साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें हमेशा नीचा दिखाता है तो हम उसको सुधार नहीं सकते। हम उसको संत बनने का भाषण नहीं देंगे कि नहीं हम ही सबसे अच्छे हैं, नहीं भैया आप अपने रास्ते खुश रहो, हम अपने रास्ते खुश हैं। तो वही बात वो कह रही कि जो गेंद खो गई है ना उसे कोई नहीं खरीद सकता। अर्थात जीवन में अगर कोई व्यक्ति चला गया है आपको छोड़कर, तो वो वापस नहीं आ सकता। इसे कोई भी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको छोड़कर चला गया हो और कोई दूसरा व्यक्ति जाए उस व्यक्ति को मना कर ले आए कि भैया ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नहीं हो सकता ऐसा। अब इस पोयम को जीवन से जोड़ रहे हैं कि अगर आपको कोई जीवन में छोड़ दे तो निराश नहीं होना, उसकी जगह पे उससे बेहतर ढूंढ लीजिए। ये है जीवन। एंड नो वन बाइज आ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, धन जो है ना, मनी जो पैसा है ना, एक्सटर्नल ये बाहरी चीज है, पैसा तो बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपनी डेस्परेट आईज से, अपनी निराश आंखों से, वहां अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान शास्त्र को ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। अर्थात कोई चीज खो जाए तो उसके बिना जीवन कैसे जीना है, ये चीज वो सीख रहा है। किसी चीज से प्रेम हो जाए, किसी पद से प्रेम हो जाए, किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए और वो छोड़कर चला जाए, उसके बिना जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये चीज वो सीख रहा है। और इसीलिए मैं इसे नई गेंद खरीदने के लिए पैसा नहीं दूंगा और ना ही इसके इस जीवन में बाधा डालूंगा। वो चाहते हैं कि ये सीखे, समझ रहे हैं। तो ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, अपनी निराश आंखों से, वहां अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को। वह अपनी निराश आंखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और स्टैंड अप का मतलब होता है सामना करना। हाउ टू, कैसे, और इसका सामना कैसे किया जाए, नोइंग, सॉरी, हाउ टू स्टैंड अप, और इसका सामना कैसे किया जाए, वो सीख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जोड़ लेंगे कि वह अपनी निराश आंखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को और इसका सामना कैसे किया जाए, यानी इसका सामना करना, लर्निंग, सीख रहा है। क्लियर हो गया? जोड़ भी सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं कि ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और इसका सामना कैसे किया जाए, यह भी वो सीख रहा है। ठीक है, अब नोइंग व्हाट, और वो क्या सीख रहा है, व्हाट, जो वो सीख रहा है, वो उस स्थिति का काम सामना करना सीख रहा है। व्हाट, जिस स्थिति का एवरी मैन, हर एक व्यक्ति को मस्ट वन डे, एक न एक दिन, नो, सामना करना ही पड़ेगा। वह लड़का उस स्थिति का सामना करना सीख रहा है जिस स्थिति का हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन सामना करना ही पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो उसको छोड़कर चला जाएगा। जिस चीज से आप प्रेम करेंगे ना, वो हमेशा दूर भागती है। ये नियम है इस प्रकृति का। जिस चीज से प्रेम हो गया वो हमेशा दूर भागेगी, कभी कभी छोड़कर चली जाएगी। तो उसके बिना कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये चीज सीखना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को सीखना पड़ता है। कोई मैं विशेष नहीं हूं, कोई आप विशेष नहीं है, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जितने लोग हैं, हर एक व्यक्ति को ये स्थिति सीखनी पड़ेगी। इस चीज का सामना करना सीखना पड़ेगा कि अगर कोई छोड़कर चला जाए, कोई पद छोड़कर चला जाए, कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाए, तो उसके बिना जीवन कैसे जीना है, ये सीखना पड़ेगा। Knowing what, वह लड़का उस स्थिति का सामना करना सीख रहा है जिस स्थिति का सामना एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ता है। नो एंड मोस्ट, नो एंड और मोस्ट, ज्यादातर लोग, हाउ टू स्टैंड अप, इस स्थिति का सामना करना, नो, सीखने में मैनी डेज,
कई दिन लगा देते हैं। अर्थात कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तो बहुत लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोने धोने लगते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो लड़का बचपन से ही इस चीज को सीख रहा है, ये एक अच्छी बात है। कभी कहते हैं कि अच्छा है अभी से सीख रहा है, बिना चीजों के, बिना प्रिय वस्तुओं के और बिना प्रिय लोगों के वो अपना जीवन जीना तो सीख जाएगा। तो लास्ट वाली लाइन बच्चे नहीं समझ पाते, बहुत ज्यादा आसान है। वह लड़का उस स्थिति का सामना करना सीख रहा है जिस स्थिति का सामना हर एवरी मैन, हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन अवश्य ही करना पड़ेगा। एंड मोस्ट नो, और ज्यादातर लोग इस स्थिति का सामना करना सीखने में, सीखने में मैनी डेज, कई दिन लगा देते हैं या फिर बहुत दिन लगा देते हैं, ठीक है। और ज्यादातर लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करिए। और ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद किसी भी क्रैश कोर्स में जिसमें आपको पढ़ना हो एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और हमारे डिजायर पॉइंट ऐप और हमारे चैनल के बारे में भी अपने मित्रों को बताइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और पढ़ सकें। जनवरी से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, CBSE बोर्ड के लिए भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, और हिंदी मीडियम बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, इन सब के लिए भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के